अयोध्या जाने वाले राम भक्तों के लिए वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत ट्रेन चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत भारत ट्रेन की बोगियों और लोको का जायजा लिया। अमृत भारत ट्रेन पुश एंड पुल की नई टेक्निक से लैस है, यानी इसके आगे और पीछे दोनों साइड्स जो हैं वो इंजन लगे हुए हैं। तो नए साल पर लोगों को नया गिफ्ट मिलने वाला है। वंदे भारत की तर्ज पर अमृत भारत ट्रेन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लोगों को गिफ्ट के तौर पर देने वाले हैं। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे, ये अमृत भारत ट्रेन है जो कि हर सुविधा से लैस है। दरअसल ये ट्रेन अयोध्या में उन लोगों के लिए चलाई जा रही है जो कि ज्यादा किराया जो है वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुविधा इस ट्रेन के अंदर वही होंगी जो वंदे भारत ट्रेन के अंदर लोगों को मिलती है। खास तौर पर अगर बात की जाए इसकी स्पीड की, इसकी स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहेगी। साथ ही साथ इस पूरी ट्रेन के अंदर दो इंजन जो है वो लगाए गए हैं, एक इंजन आगे की तरफ और एक इंजन पीछे की तरफ, यानी पुश पुल तकनीक का इस्तेमाल जो है उस ट्रेन में किया गया है। अमूमन इस तकनीक का जो इस्तेमाल है पहाड़ों इलाकों के अंदर जो है वो किया जाता था। दरअसल अब आपको हम इस पूरी ट्रेन के अंदर की सुविधा से रूबरू कराएंगे कि आखिरकार इस ट्रेन के अंदर क्या कुछ खास जो है वो आपको मिलने जा रहा है। दरअसल इस ट्रेन की शुरुआत जो है वो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री जो है वो अयोध्या से करेंगे, दो ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। साथ ही साथ इस पूरी ट्रेन के अंदर 22 कोच होने वाले हैं, जिनमें से 8 जनरल कोच हैं और उसके अलावा 14 की अगर बात की जाए तो वो स्लीपर कोच होंगे। इसके साथ ही आपको यहां पर सीसीटीवी कैमरास जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वंदे भारत ट्रेन में जिस तरीके की सुविधाएं जो है वो आपको मिलती थी वही सुविधाएं जो है वो यहां पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और तरीके से पूरे सिटिंग अरेंजमेंट को जो है वो बनाया गया है ताकि यहां पर लोग जो है वो आसानी से सफर कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां पर लोगों को लगेज रखने के लिए भी पूरी व्यवस्था जो है वो यहां पर की गई है। एक बार में यहां पर तकरीबन 1,500 के आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसके कोचेस जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ाए जाएं। साथ ही साथ यहाँ पर टॉयलेट की भी एक अलग सुविधा जो है वो पूरी तरीके से की गई है। स्पेस जो है वो थोड़ा सा उसको बढ़ाया गया है और इंग्लिश टॉयलेट शीट जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। अमूमन यहाँ पर जो है वो हिंदी शीट्स जो है वो इस्तेमाल होती थी, लेकिन यहाँ पर अब इंग्लिश शीट्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सेफ्टी मेजर्स को भी अपनाया गया है। यहाँ पर फायर के लिए सिलेंडर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं।